हेलो स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड फिफ्थ, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इन दिस वीडियो आई विल टीच यू सेल्फ प्रैक्टिस 3A। ओके, इट इज राउंडिंग ऑफ लार्ज नंबर्स। ओके, जस्ट कम टू क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन इज राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। ये जो नंबर दिया हुआ है इसको नियरेस्ट 10 में क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करने के लिए इसको आप ध्यान से देखिए, सारा क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं किस तरह से। ये है, देखिए ये 68 है, 68 है, ये है वंस पोजीशन और ये है टेंस। ठीक है, तो हमको राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ करना नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना है। ये ध्यान से क्वेश्चन को समझिए कि इसको राउंड ऑफ किस में करना है, नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना है। नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करने के लिए ये टेंस पोजीशन पे देखिए 6 है, तो राउंड ऑफ किसको करना है, राउंड ऑफ करना है 6 को। तो 6 को राउंड ऑफ करने के लिए हम ये वाला नंबर, जो भी जो नंबर राउंड ऑफ करना होता है उसके पहले वाला नंबर देखते हैं। अगर टेंस पोजीशन को राउंड ऑफ करना है तो वंस पोजीशन पे देखते हैं। अगर ये वंस पोजीशन पे जो भी नंबर है, ये अगर 0, 1, 2, 3, 4 रहता है तो ये नंबर यहाँ पर सेम नंबर रह जाता है। लेकिन अगर ये 5 से ज़्यादा होता है, मतलब 5, 6, 7, 8 अगर ये होता है, 9 होता है, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये नंबर जो है यहाँ पे 1 ऐड हो जाता है, ये नेक्स्ट नंबर हो जाता है। तो जब 68 को हम लोग राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10 में, तो 68 इज राउंडेड ऑफ टू 70। 68 को राउंड ऑफ करने से वो कितना हो जाएगा, वो 70 हो जाएगा। आप इसको दूसरे तरीके से समझिए कि अगर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोज करो एक नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, तो आप खुद देखो कि ये सपोज करो यहाँ पे हम 60 लिखे, ठीक है, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। आप खुद देखो कि 68 जो है, ये 68 है यहाँ पर है, ये 68 किसके क्लोज में है, ये 70 के क्लोज है या 60 के क्लोज है। तो अगर आप खुद देखिएगा तो खुद आपको समझ में आएगा कि 68 इज क्लोज टू 70, नॉट 60। तो नियरेस्ट 10 में जब 68 को राउंड ऑफ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो 70 हो जाएगा। दूसरा आपको हम ये समझाएं कि यहाँ से, मतलब कि 5 या 5 से अधिक अगर रहेगा तो ये नेक्स्ट नंबर, ये 70 हो जाएगा। 4 तक अगर रहेगा, ये 61 रहता, 62 रहता, 63 रहता, 64 रहता, तो ये राउंड ऑफ करने से 60 हो जाता। लेकिन जैसे ही 65 से एबव रहेगा तो राउंड ऑफ करने से 70 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये है 45। तो 45 को जब हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 है, ये वंस पोजीशन है और ये टेंस पोजीशन है, तो टेंस पोजीशन को राउंड ऑफ करना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, नियरेस्ट 10 को राउंड ऑफ करना है, तो नियरेस्ट 10 को राउंड ऑफ करने के लिए यहाँ पर देखो ये 45 है, ये वंस पोजीशन है, ये टेंस पोजीशन है, तो 4 को राउंड ऑफ करना है। 4 को राउंड ऑफ करने के लिए हमको ये नंबर को देखना है। तो हम आपको समझाए पहले ही, अगर यहाँ पर 5 या 5 से अधिक होता है तो ये नेक्स्ट नंबर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये 5 है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 45 इज राउंडेड ऑफ टू 50। 45 को जब हम लोग राउंडेड ऑफ किए तो वो क्या हो गया, 50 हो गया। इसको ठीक से समझिए, 45 को जब हम लोग राउंड ऑफ किए तो क्या हो गया, 50 हो गया। क्यों 50 हो गया, क्योंकि यहाँ पर 5 है, ये हम लोग समझे हैं कि 5 या 5 से अधिक रहने पे ये 50 हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर हो जाएगा यहाँ पर। अगर ये 44 होता तो 44 होने से, ये राउंड ऑफ करने से 40 होता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 31 हमको राउंड ऑफ करना है, नंबर 31 को राउंड ऑफ करना है। अब देखिए 31 को अगर राउंड ऑफ हम लोग करते हैं तो आप देखिए ये वंस पोजीशन में है और ये टेंस पोजीशन में, वंस पोजीशन में 1 है और टेंस पोजीशन पे 3 है। तो हम अभी
समझे हैं कि इसको हमको टेंथ पोजिशन को राउंड करना, मतलब थ्री को राउंड करना है। थ्री को राउंड करने के लिए हम ये नंबर देखते हैं, वन को देखेंगे। तो यहाँ पर हम ये समझे हैं कि वन टू थ्री फोर रहने से ये सेम नंबर रह जाता है। तो ये क्या है, ये थ्री है यहाँ पर और ये यहाँ पे वन है। तो ये वन है मतलब कि ये फाइव से कम है। तो फाइव से कम रहने से ये यही सेम नंबर रह जाएगा। 31 इज राउंडेड ऑफ टू 30। 31 को जब हम लोग राउंड ऑफ किए तो ये क्या हो गया, 30। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप खुद देखिए, एक नंबर लाइन हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम 30 लिखे, ठीक है, 31 लिखे, 32 लिखे, 33, 34, 35, 36, 37, 38 39, 40। अब देखो 31 इस नंबर को हम राउंड ऑफ किए, ये नंबर को राउंड ऑफ। अब ये नंबर आप खुद देखो कि ये 30 के नज़दीक में है या 40 के नज़दीक में है। देखो 40 कितना दूर है, 30 नज़दीक में है, मतलब ये 31 जो है 30 के करीब है। इसीलिए ये क्या, इसको राउंड ऑफ करने से ये 30 हुआ। अभी ये 30 हुआ, अगर ये 34 तक रहता, 31, 32, 33, 34 तक रहता तो 30 ही होता। जैसे ये 35, 36, 37, 38, 39 होता तो ये राउंड ऑफ करने से ये 40 हो जाता, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग समझते हैं इसको। अब आते हैं नेक्स्ट में, देखो नेक्स्ट है 542। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बुक में है, न्यू लर्निंग एंड कंपोजिट मैथमेटिक्स पढ़ा रही हूँ, उसमें देखिए कि नेक्स्ट नंबर जो है वो है 542। तो 542 को जब हम लोग राउंड ऑफ करेंगे, ये देखो वंस पोजीशन है, ये टेंस है और ये हंड्रेड है, ठीक है, वंस टेंस हंड्रेड। अब देखो हमको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टेन। कितना भी बड़ा नंबर हो उससे मतलब नहीं है, उससे नहीं घबराना है। हमको देखना ये है कि हमको राउंड ऑफ किस में करना है, नियरेस्ट टेन में राउंड ऑफ करना है। तो नियरेस्ट टेन में यहाँ पर आप देखो कि राउंड ऑफ करने के लिए ये देखिए वंस टेंस हंड्रेड, हमको फोर को राउंड ऑफ करना है। हमको पूरा नंबर से मतलब नहीं है, फोर को राउंड ऑफ करना है। फोर को राउंड ऑफ करने के लिए हम इससे पहले वाला नंबर देखते हैं। हम आपको पहले ही बताएं कि जिस नंबर को राउंड ऑफ करते हैं उसको पहले वाला पोजीशन देखते हैं। तो ये वंस पोजीशन को हमको देखना है। तो वंस पोजीशन पे यहाँ पे टू है, ठीक है। तो आपको बताएं कि अगर वन टू थ्री फोर तक रहता है तो ये नंबर जो है फोर यहीं पर सेम नंबर आ जाएगा। तो जब हम 542 को राउंड ऑफ किए तो 542 इज राउंडेड ऑफ टू 540। इसको राउंड ऑफ करने से ये 540 हो गया, 540 रहेगा। अगर ये यहाँ पर 45 होता ना, 45, तो ये 550 हो जाता। तो ये 42 है, इसीलिए 42 है, इसलिए ये राउंड ऑफ करने से 540 हो गया। अभी देखिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी देखिए ये वंस पोजीशन है, ये टेंस पोजीशन है, ये हंड्रेड पोजीशन है। हमको राउंड ऑफ किसको करना है, आप ध्यान से इसको समझिए। इसको इसमें किसको राउंड ऑफ करना है, इसमें राउंड ऑफ करना है 8 को, नियरेस्ट 10, ये नियरेस्ट 10 में करना है, टेंथ पोजीशन को राउंड ऑफ करना है। तो टेंथ पोजीशन को राउंड ऑफ करने के लिए इसको देखते हैं। ये यहाँ पर 3 है, 5 से कम है, तो ये 3 है, तो ये सेम नंबर, ये 8 ही रह जाएगा टेंथ पोजीशन पे, ये 8 ही रह जाएगा, ये चेंज नहीं होगा। 8 0 मतलब टेंथ में करना है ना, 10 का मल्टीपल में। तो ये क्या हो गया, 783 इज राउंडेड ऑफ टू 783 को जब राउंड ऑफ किए हम नियरेस्ट 10 में, तो 780 हो गया। मान रखो यहाँ पे 85 होता बाबू, तो ये 85 होने से क्या होता है, वो 790 हो जाता, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर एफ में, आते हैं एफ में। आप देखो कि 428 है, 428 है जब इसको हम राउंड ऑफ करते हैं। देखो 428 इसको देखो, देखो ये है वंस पोजिशन, ये है टेंथ पोजीशन और ये है हंड्रेड। तो ये देखो ये 8 है और ये 2 है, ये हमको राउंड ऑफ करना है टेंथ पोजीशन को, 2 को राउंड ऑफ करना है। 2 को राउंड ऑफ करने के लिए हमको इसको देखना है, 8 को देखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये 5 या 5 से ज़्यादा है, तो ये नंबर नेक्स्ट वाला हो जाएगा। यहाँ पे 2 के जगह हम लोग को 3 लिखना होगा, 30।
ठीक है, 28 को जो राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा, 30 होगा, क्योंकि 28 जो क्या है 30 के करीब है, 20 के करीब तो नहीं है। तो 428 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये यहाँ पे 8 होने के वजह से ये क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट नंबर यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए ये 430 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जी में। जी को देखो, ये है 989 को जब हम राउंड ऑफ किए हैं, ये देखो 989, ठीक है, ये नंबर है, इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 में। नियरेस्ट 10 में इसको राउंड ऑफ करने के लिए ये देखिए, ये वंस पोजीशन है, ये टेंस है और ये 100 है। ये नंबर 9 को राउंड ऑफ करना है, तो 9 को राउंड ऑफ करने के लिए ये सॉरी 8 को राउंड ऑफ करना, 8 को राउंड ऑफ करने के लिए ये 9 को देखना है। यहाँ पे 9 है, 9 है मतलब ये 5 या 5 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट नंबर हो जाएगा, ये यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो जब हम 989 को राउंड ऑफ किए नियरेस्ट 10 में, तो ये क्या हो गया, 990 हो गया। आप देखो क्यों हो गया, क्योंकि 89 किसके करीब है, 90 के करीब है ना, 89 के करीब नहीं है। 89 अगर आप मार्केट जाओगे 89 रुपीज़ खर्चा करोगे तो नियरेस्ट 10 में वो क्या होगा, 90 होगा, ना कि 80 होगा। तो इसलिए इसको, अगर ये 84 होता ना, तो 84 होने से ये 980 हो जाता राउंड ऑफ करने से, लेकिन ये 89 है इसलिए इसको जब हम लोग राउंड ऑफ किए तो ये क्या हो गया, 990 हो गया। ओके, अब देखो नेक्स्ट एच, क्वेश्चन नंबर एच में आते हैं। एच में देखो क्या है, 273 है, ठीक है, 273 है और इसको राउंड ऑफ करना है इस नंबर को नियरेस्ट 10 में, ठीक है। जब इसको नियरेस्ट 10 में हम राउंड ऑफ करेंगे, ये वंस पोजीशन है, ये टेंस पोजीशन है, ये 100 पोजीशन है, तो ये 7 को राउंड ऑफ करना है। 7 को राउंड ऑफ करने के लिए हमको 3 को देखना है, और 3 ये क्या है, 1 2 3 4 रहने से क्या होता है, ये सेम, ये 7 ही रह जाएगा यहाँ पर, मतलब कि 270। तो जब इसको हम 273 को राउंड ऑफ किए तो ये क्या हो गया, 270 हो गया। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे 75 होता ना, तो 75 होने से यहाँ पे 280 हो जाता। अब देखो नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर देखो क्या है, ये इतना भारी भरकम नंबर है, देखो कितना बड़ा ये है, 5655 है। तो ये इतना बड़ा नंबर देख के घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमको बड़ा नंबर से कोई मतलब नहीं है। ये देखो ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 है। हमको टेंस पोजीशन को राउंड ऑफ करना है, 5 को राउंड ऑफ करना है, टेंस पोजीशन पे क्या है, 5 है, 5 को राउंड ऑफ करने के लिए ये नेक्स्ट वाला 5 को देखना है। तो ये नेक्स्ट वाला 5 जो है, ये 5 है, मतलब कि 5 6 7 8 रहने से क्या होता है, बताए थे कि नेक्स्ट नंबर हो जाता है, तो 5 रहने से ये नेक्स्ट नंबर हो जाएगा, 5 रहने से नेक्स्ट नंबर हो जाएगा, मतलब ये जो है 5, ये 5 की जगह 6 हो जाएगा, ठीक है, ये 5 की जगह क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए राउंड ऑफ करने से क्या हो गया, 5660 हो गया, ठीक से देखो, 5660 हो गया। और अगर यहाँ पे 4 होता, अगर 4 होता तो ये 50 ही रह जाता, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जे देखिए, 9827, ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है और ये 1000 है। हमको 2 को राउंड ऑफ करना है, 2 को राउंड ऑफ करने के लिए हमको 7 को देखना है, 7 को देखना है, यहाँ पे 5 से ज़्यादा है, 5 या 5 से ज़्यादा रहने से क्या होगा, ये नेक्स्ट नंबर हो जाएगा। तो ये बाकी नंबर तो एज इट इज रह जाएगा, 9 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 8 3 0। ये मतलब कि ये देखना है आपको, 27 देखना है, 27 को राउंड ऑफ करने से क्या होगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि 27 किसके नज़दीक में है, किसके करीब में है, 27 जो है 30 के नज़दीक में, 20 के नज़दीक में नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, 9227। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैड सॉल्व एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट वीडियो, यू कीप प्रैक्टिसिंग and solve all the problems, I will make you understand remaining questions in next video. Okay, thank you to all of you.